पहले आपको आंकड़ों से रूबरू करवा दे। इस वक्त तक लगभग 5 बज चुके हैं। जो आंकड़ों की जो सूची हमारे पास आई है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। अगर हम आपको यहां पर बताएं, 10 मामले वो सामने निकल कर आए हैं जिन्होंने ट्रेन के माध्यम से यात्रा की थी और वो जम्मू पहुंचे थे। साथ ही साथ तीन मामले जिन्होंने हवाई यात्रा की थी, जो विमान के जरिए विमान के माध्यम से यहां जम्मू पहुंचे हैं, वो तीन मामले सामने निकल कर आए हैं। उसके बाद एक मामला रामबन से, 2 रियासी से, एक मामला पुंछ से, एक सांबा से, एक त्रिकुटा नगर, एक बिश्नाह, एक इंद्रेश नगर, एक कठुआ। साथ ही साथ 11 मामले उधमपुर से निकल कर आए हैं, जिसमें 5 लेबर बताए जा रहे हैं, मजदूर बताए जा रहे हैं, 5 है जो आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं, साथ साथ एक ड्राइवर भी है जो सांबा से ताल्लुक रखता है पर क्वारंटाइन सेंटर उधमपुर में मौजूद है। चलिए एक बार फिर से बता दें, 3 वो मामले सामने निकल कर आए हैं जिन्होंने विमान से यात्रा की थी और यात्रा के बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू में जब उन्हें क्वारंटाइन किया गया तो 3 की यहां पर जानकारी निकल कर आई है जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके पास 10 वो यात्री जो ट्रेन के माध्यम से आए थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्हें क्वारंटाइन किया गया। 10 यात्रियों को जब उनकी जानकारी आई, डिटेल्स आई, रिपोर्ट आई, तो वो पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद 1 रामबन से, 1 पुंछ से, 2 रियासी से, 1 सांबा से, त्रिकुटा नगर से, 1 बिश्नाह से, 1 इंद्रेश नगर से, 1 कठुआ से और 11 मामले जो आए हैं उधमपुर से। ये सारे मामले क्वारंटाइन सेंटर से सामने निकल कर आए हैं। साथ ही साथ संख्या अगर यहां पर हम रखें तो लगभग 32 मामले अभी तक, शाम के 5 बज चुके हैं, 32 मामले अभी तक सामने निकल कर आए हैं। 11 मामले सीडी अस्पताल घाटी से निकल कर आए हैं। साथ ही साथ अगर यहां पर एक अच्छी खबर और जो कश्मीर घाटी से निकल कर आई है, जेवीसी भेमेना में टेस्ट हुए, लगभग 524 टेस्ट वहां पर किए गए और उसमें कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं आया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर कश्मीर घाटी से। पर जिस तरीके से जो यात्री पॉजिटिव पाए गए जिन्होंने हवाई यात्रा की थी, साथ ही साथ ट्रेन के माध्यम से आए थे, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा सकते हैं। विनोद कुमार सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, 3 वो मामले जो हवाई यात्रा के दौरान आए हैं और साथ साथ 10 वो मामले जो ट्रेन के माध्यम से आए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार आना जाना जारी है क्योंकि रियायतें दी गई हैं। एक बार फिर से विमान यात्रा शुरू हो गई, उसके बाद ट्रेन के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं, इन्हें क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं चिंताएं ये प्रशासन के लिए बढ़ा सकती है क्योंकि लगभग 13 मामले इस तरीके से सामने निकल कर आए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सौरभ, कि लंबे समय से, जब से तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तभी से ये कहा गया था कि जो लोग प्रवासी श्रमिक यहाँ फंसे हुए हैं उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा, जो दूसरे राज्यों में हमारे लोग यूटी जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हैं उनको वापस लाया जाए, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, जिनमें कुछ पेशेंट्स भी हैं और कुछ श्रमिक भी हैं, उनको वापस लाया जाना था। और उस प्रक्रिया में हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब लोग बाहर से आएंगे, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री होगी, तो डेफिनेटली पॉजिटिव केसेस भी आएंगे। अब पहले शुरुआती दौर में श्रमिक ट्रेन को शुरू किया गया और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, श्रमिक ट्रेन के बाद स्पेशल ट्रेन, 15 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, अब हवाई जहाज भी चलाए जा रहे हैं, हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई है। तो इन सबके बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव केसेस जरूर है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता यह है सौरभ कि 190 ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल रहा है कि वो संक्रमित कहां से होके आए हैं, यानी संक्रमित तो है वो। ये एक बड़ा चैलेंज जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना हुआ है। जी सौरभ जी, विनोद जी, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अब मुश्किल वहां पर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर सामने जो 10 मरीज सामने निकल कर आए जिन्होंने ट्रेन के माध्यम से यात्रा की थी, वहां पर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ सकती है प्रशासन के लिए उन बाकियों को भी चिन्हित करना, क्योंकि लगातार कोशिशें जरूर की गई थी कि जो ट्रेन के माध्यम से आएंगे वहां पर ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को पूरे तरीके से वहां पर पालन किया जाएगा, साथ ही साथ जब वहां से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा तभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा गाड़ियों में भी। पर हम यहां पर जब लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ट्रेन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम थे उसका उल्लंघन हुआ, जब हमें वहां से लेकर शिफ्ट किया गया क्वारंटाइन सेंटर में तभी भी नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं चिंताएं इस विषय की भी बढ़ सकती है, उन लोगों को चिन्हित करना जो इनके संपर्क में आए थे। जी बिल्कुल, आपने सौरभ ठीक कहा, मैंने शुरुआत में भी कहा कि अब भी ये कह रहा हूं आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लाठियां लेकर के पुलिस ने नहीं करवानी है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद ऑन करनी है।
ट्रेन में पूरी फैसिलिटीज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, लेकिन जो सवारी है वो डेलिबरेटली सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करती है, तो इसमें किसका कसूर है? लेकिन ये चीज पक्की है कि जितने भी सौरभ ट्रेन से जितने भी यात्री उतरेंगे उन सबका सैंपलिंग होगी, सबकी सैंपलिंग के बाद पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अब आर्मी का फ्लैग मार्च तो नहीं करवाना है या पुलिस को डिप्लॉय नहीं करना है, अब इंसानों को खुद नागरिकों को सोचना चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। कि आप नहीं मेंटेन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत का सबब बन जाएगा, समाज के लिए दिक्कत का सबब बन जाएगा, देश के लिए, समूचे देश के लिए एक खतरे का कारण बन जाएगा। जी, यहाँ पर एक चीज हो रहा है, लगभग शेष 4 दिन बाकी रह गए कि जो लॉकडाउन का जो चौथा चरण चल रहा है खत्म होने वाला, 31 मई को ये खत्म हो जाएगा, और उसके बीच में अगर खाली हम जम्मू संभाग की बात करें, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, तमाम इलाकों से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, तो अब क्या प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती अपनाई जाएगी या जो रियायतें दी गई हैं उसी तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? सौरभ, इसमें इसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। जो लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन के साथ, या यूं कहिए कि इस COVID-19 के साथ साथ हमें जीने का सफर भी सीखना होगा, वो लोग चाहते हैं कि रियायतों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जारी रहेंगी, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आपकी ट्रेड एक्टिविटीज जारी रहेंगी। अगर आप लॉकडाउन पूरा कर देते हैं तो फिर सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। और कुछ लोगों का एक मैं कहना है कि लॉकडाउन 4 में, मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, कि लॉकडाउन 4 में पहले शुरुआती दौर में पॉजिटिव फिगर्स मात्र 2 डिजिट में थी, अब ये 3 डिजिट में चल गई, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूं, 3 डिजिट में चल गई है, तो ये एक चिंता का विषय है। प्रॉपर लॉकडाउन करने की भी बात चल रही है, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं और जो लोग जानते हैं कि वायरस कितना घातक है और बाकी देशों ने इस वायरस के साथ किस तरीके से डील किया है, तो उनका ये मानना है कि एक्टिविटीज के साथ साथ वायरस भी चलता रहेगा, ये सारी एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी, और लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें फिलहाल दी जा रही हैं वो रियायतें भी कंटिन्यू रहेंगी। जी सौरभ, पर विनोद जी, यहाँ पर अगर शहर में देखें तो लगातार यहाँ पर देखा भी जा रहा है, लगातार प्रशासन पालन भी करवा रही है, अगर वो रेड जोन हो, कंटेनमेंट जोन हो या बफर जोन हो, वहां पर सख्ती से निपटा भी जा रहा है, सख्ती बढ़ती भी जा रही है, पर दूर दराज के गांव जैसे इलाके वहां पर प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक सामने निकल कर जरूर आ रही है, और वहां के लोगों को भी जागरूक करना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए, वहां पर लोगों को समझाना भी मुश्किल हो रहा है कि इस महामारी से कितना खतरा आगे बढ़ सकता है, कितना खतरा उनके लिए बन सकता है, साथ साथ कितनी हानिकारक बीमारी है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन कुछ जगहों पे हमने देखा कि जो फार फ्लांग एरिया में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा जागरूक हो गए हैं, जो भले ही FM नहीं सुन पाते हो रेडियो सुनते होंगे और TV देख पाते होंगे। मैंने पुंछ के, आज ही हमने पुंछ के फार फ्लांग एरिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ जुड़ते हैं वहां पे लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि सिटी के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं, यही एक कारण है कि पुंछ में जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि शहर के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करते हैं और गाँव के लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी केसेस आए कि गाँव में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे हैं और शहरों में उसको फॉलो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है और जो फार फ्लांग एरियाज में रहते हैं उनको जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है। जी सौरभ, चलिए विनोद जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जम्मू से जानकारी दी। यहाँ पे सनम एजाज भी हमारे साथ कश्मीर घाटी से जुड़ चुके हैं। सनम, आपके पास सीधा रुख करेंगे, कश्मीर से 11 मामलों की जानकारी जो CD अस्पताल से निकल कर आ रही है, साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी निकल कर आई कि 524 के करीब टेस्ट लिए गए JVC अस्पताल में, जिनमें से सारे मामले थे वो नेगेटिव आए, ये एक राहत भरी खबर, जिस तरीके से लगातार मामले कश्मीर घाटी में बढ़ रहे थे। देखिए बिल्कुल सौरभ, ये अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी खबर के साथ साथ कश्मीर से रोज बुरी खबर आती है, हम ब्रेक करना चाहेंगे इस खबर को। तो श्रीनगर में अभी कुछ देर पहले एक और मौत हुई है, पॉजिटिव केस था 16 श्रीनगर के SMH अस्पताल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात भी निकल के आती है कि ये शख्स जो 55 साल का है, श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके का रहने वाला है, ये हॉस्पिटल में अपने अपेंडिसाइटिस, यानी इसको जो अंदर अपेंडिक्स का केस हुआ था, डॉक्टरों ने उसको सर्जरी की और सर्जरी के बाद ये हॉस्पिटल में 15 तारीख से एडमिट था, आज इसकी मौत हुई और डॉक्टरों का वहां पे जो है खाता दर्ज जो है वो कोविड का हुआ है।
वाकई में कोविड से मौत हुई है या नहीं, लेकिन अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कोविड से है। यूं कह सकते हैं कि एक और मौत जो है आज कोविड से हुई है, डॉक्टरों ने इसको कोविड की मौत बताया है। लेकिन ये श्रीनगर में अभी कुछ देर पहले की घटना है और कुल मिला के आज 11 केस आए हैं अभी तक के जो रिपोर्ट से, और उसमें जो जेबीसी हॉस्पिटल की लैब है लगातार वहां से 3 दिनों से टेस्ट आ रहे हैं, वहां से पॉजिटिव नहीं आ रहा है। कल जो हमारे पास केस आए थे जम्मू की तुलना में कल कश्मीर में काफी केस कम आए थे, लेकिन जिस तरह जम्मू में ग्राफ जो था वो 0 के आसपास था, वहां कल जम्मू कश्मीर में जो टेस्ट हुए जम्मू के वो बड़ी तादाद में आए, करीबन डबल फिगर्स आए। एक अच्छी खबर यही है कि श्रीनगर के जेबीसी अस्पताल में जो आज टेस्ट हुए उनमें से अभी तक जो 12 बजे तक का रिपोर्ट होता है उसमें कोई पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एक दुख भरी खबर यही है कि श्रीनगर के डाउन टाउन इलाके से एक और मौत वाका हुई है, कोविड उसका नाम लिया जा रहा है। चलिए सनम, जिस तरीके से लगातार संक्रमण भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, मौतों का भी आपने जिक्र किया, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें लॉकडाउन का चौथा चरण था वो कहीं ना कहीं 31 मई को खत्म होने वाला है, और उसके बाद पांचवा चरण शुरू होगा कि नहीं होगा उसकी बात की बात है, पर इसके पहले प्रशासन क्या कुछ सोच रही है कि रियायतों में जिस प्रकार चल रही है सख्ती चल रही है उसी प्रकार सख्ती रहनी चाहिए या छूट देनी चाहिए, क्योंकि मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, इस पर कहीं ना कहीं गंभीर होकर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हर दिन कश्मीर घाटी से जो संख्या है मामलों की बढ़ती जा रही है और लगातार मामले सामने निकल कर आ भी रहे हैं। देखिए सौरव, अगर जनता की आवाम की बात की जाए तो दोनों तरफ से फंसी हुई आवाम, एक तरफ से लॉकडाउन रखना है क्योंकि जिंदगी बचानी है और दूसरी तरफ से भूखे नहीं मरना, ये दोनों जो चीजें जिसमें आवाम जनता फंसी हुई है। और श्रीनगर में कल जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर कोई और फेज भी हो सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो इससे डेडली फेज हो सकता है। जो डॉक्टर्स श्रीनगर के हैं, सीनियर यहाँ के डॉक्टर हैं, उन्होंने कल बताया कि एक और फेज आ सकता है और वो इससे खतरनाक होगा। और इन सभी फेज को देखते हुए सरकार पे प्रशासन पे एक प्रश्न ये भी है कि लॉकडाउन को सख्ती से और आगे भी इंप्लीमेंट किया जाए ताकि पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पाई जा सके। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ एक और परेशानी भी है कि यहाँ लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि लॉकडाउन आज का नहीं है, ये लंबा लॉकडाउन है कश्मीर में। अब ये कोविड के लॉकडाउन से पहले भी एक लॉकडाउन से कश्मीर गुजर चुका है, तो ये सारी सिचुएशन जो है 5 अगस्त के बाद कश्मीर खुला नहीं है, लोगों के पास इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुके, पैसा खत्म हो चुका है, तो इससे निकलने के लिए या इस सारे के बीच में जो है दो तलवारों से। चलिए सनम, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दी कि इस प्रकार हालात कश्मीर घाटी में बने हुए हैं। 11 मामले यहां पर कश्मीर से सामने निकल कर आए हैं, एक मौत का जो आंकड़ा है एक उसका इजाफा हो गया है कश्मीर घाटी से। आज जो यहाँ पर सनम जो खबर दे रहे थे कि एक जो मौत है वो यहाँ पर उसकी पुष्टि हो गई है। लगभग 32 के करीब मामले जम्मू से, लगभग 11 के करीब मामले कश्मीर घाटी से, और एक की मौत कश्मीर घाटी से आज के दिन दर्ज की गई है।